No, 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 no. अभी जो आप लोगों ने देखा वो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन था, तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ ये जो वैलेंटाइन डे हम लोग तो बनाते हैं भाई, हम लोग नहीं बनाते भाई, जो जिसका चक्कर चल रहा है भाई, जिसका सेटिंग है वो लोग बनाते हैं। हमारे जैसे लोग तो क्या ही बात, जो भी हो इस वीडियो को फालतू वीडियो समझ करके स्किप मत कर देना। कुछ छोटी सी वीडियो है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ, और वीडियो से थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो बात करते हैं हम लोग वैलेंटाइन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या आप लोगों को पता है? क्या वैलेंटाइन डे अपने गर्लफ्रेंड के साथ कहीं पे घूमना जाना, उसके साथ वक्त बिताना, प्यार मोहब्बत की बातें करना, ऐसा सही में है वैलेंटाइन डे? क्या ऐसा सही में इसको ही वैलेंटाइन डे कहते हैं? जी ऐसा नहीं कहते हैं। जिन लोगों को वैलेंटाइन डे का हिस्ट्री पता है वो लोग प्यार मोहब्बत को अच्छी तरह से समझते हैं। वैलेंटाइन डे को क्यों मनाते हैं और ये परंपरा कब से चली आ रही है? वैलेंटाइन डे कब से चल रही है क्या आपको पता है? तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं। वैलेंटाइन डे जो है उसके बारे में उसका एक दर्दनाक हिस्ट्री है, वो आप लोगों को रुला देने वाली ऐसी एक हिस्ट्री है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हूँ। आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। रोम में 3rd सदी में रोम का राजा था, यानी कि लॉर्ड क्लोडियस। तो वो अपने क्रूरता से, उसके अहंकार से, उसके पावर के दम पे अपने एम्पायर को फैलाना चाहता था, यानी कि उसका उसका राज्य बड़ा करना चाहता था। तो इसके लिए उसके सेना में जोरों शोरों से भर्ती चल रही थी, और लॉर्ड क्लोडियस ने एक सर्वे किया। एक साइड में था मेरिट लोग, एक साइड में था नॉन मेरिट लोग। तो इन लोगों में से जो दाता निकल के आया, जो मेरिट लोग थे उन लोग नॉन मेरिट लोगों से थोड़ा वीक था, यानी कि कमज़ोर था, और जो लोग नॉन मेरिट था वो लोग शादीशुदा लोगों से ज़्यादा शक्तिशाली था, यानी कि पावर था। तो इसीलिए रोम ने, रोम के राजा लॉर्ड क्लोडियस ने क्या किया, लॉर्ड क्लोडियस ने एक ऐसा रूल बनाया, ऐसा एक नियम लागू किया जिससे लोग प्यार मोहब्बत नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, यानी कि एक तरह से मानो तो शादी करना, प्यार करना एक बैन हो गया था। तो इससे क्या हुआ, रोम नियम से रोम के सभी लोग निराश हो गए और दुख के ज़िंदगी जी रहा था। उससे में एक व्यक्ति था जिसमें था दरिया दिल के, और वो प्यार मोहब्बत को समझते थे और प्यार मोहब्बत के इज्जत करते थे, और वो प्यार को एग्री करते थे। और वो कैथलिक प्रीस्ट ने, उसका नाम था सेंट वैलेंटाइन, जो सेंट वैलेंटाइन वो प्यार मोहब्बत के कपल को शादी कर रहा था, और इससे तो राजा की बगावत हो रही थी, इसीलिए चला उसको जेल में डाल दिया, आप करवा शादी। उस समय एक ट्विस्ट आ गया, तो जो जेल में सेंट वैलेंटाइन को डाला था उस जेल की जेलर की बेटी से प्यार हो गया, मिलने आते थे वो लड़की, तो उससे प्यार हो गया, और वो लड़की अंधी थी। तो वो बात भी जेलर को पता चल गया, और उस लड़की को वैलेंटाइन ने, यानी कि सेंट वैलेंटाइन ने उसके आँखों पे ऐसे जब किया था, वो लड़की देखने लगा था। उससे पूरे रोम को पता चल गया जे ये आदमी तो कुछ तो अनोखा है, कुछ तो स्पेशल है, यानी कुछ तो दम है इस आदमी पे। तो इसीलिए उसको फांसी अनाउंस कर दिया। अब उसके बाद वैलेंटाइन को, सेंट वैलेंटाइन को फांसी अनाउंस कर दिया, और फांसी अनाउंस करने से पहले उसने एक उस लड़की को एक खत लिखा, उसमें लिखा हुआ था फॉर्म योर वैलेंटाइंस। और जिस दिन सेंट वैलेंटाइन को फांसी दिया, जिस दिन मृत्यु हुआ, यानी कि फांसी हुआ, उस दिन था 14 फरवरी, और उस 14 फरवरी से ही दुनिया में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जाता था, सेंट वैलेंटाइन डे की याद में। और अगले में
रोम में ही ये वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जाता था। उसके बाद पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन लोगों को पता नहीं। आप ऐसा माहौल हो गया है वैलेंटाइन डे मतलब लॉन्डी को पताना और घूमने जाना। कहाँ जाने के सोच रहा था भाई, ओयो में इस बार जाना सरकार ने लगा के रखी है 180। तो ये था कुछ वैलेंटाइन डे के हिस्ट्री के बारे में। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।